केराव है, केराव है, खीरा के बिया मतलब इतना निकला जाता है जितने माने बाल बच्चा रहता है जितना बच्चा उतना। हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जीतिया है और आज मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जीतिया इस बार दो दिन है, एक तो 5 को है नहाखा, 6 को फास्टिंग, 7 को पारण, एक 6 को नहाखा, 7 को फास्टिंग एंड 8 को पारण। तो मैं आज नहाखा है, तो नहाखा के दिन क्या क्या बनता है मैं बताती हूँ आप लोग को, मेरे यहाँ क्या बनता है, सबके यहाँ थोड़ा अलग अलग होता है, जिसके यहाँ जैसा वैसा। तो मेरे यहाँ क्या क्या बनता है मैं दिखाती हूँ, मेरे यहाँ भाभी और मम्मी की है, तो मेरी भाभी है, मैं भाभी से बताती हूँ, भाभी बताएंगे कि क्या क्या मुझे खाने के लिए चिकन खाती हूँ, भाई मुझे लिए खाने के लिए ये लोग नहा खा करने के बाद वो निकाला जाता है बच्चों को खिलाने के लिए, तो मम्मी लोग निकाल के रखी है। ये क्या है भाभी? मरुआ का रोटी है, ये झिंगी का सब्जी है, और एक और क्या है, नेनुआ का सब्जी है, और एक कद्दू की सब्जी है। तो ये सारा स्वाद स्वाद निकाला जाता है, ये लोग जो खाते हैं ये अपने बच्चों को खिलाने के लिए है। और ये सेमिया है, वो एक आटा का बनाया जाता है, इसमें ये स्वाद अलग है, यहाँ का मौसम थोड़ा ख़राब है तो वो बन नहीं पाया, ये चिट्ठी है, क्योंकि खाने को मुझे मिला है, खाने को मम्मी को नाम खाना लिया, इसलिए खाने को मिला है, मुझे खाना तो नहीं करे खाने के लिए मम्मी लोग कर रहे हैं। सुबह सियाल यही देखता है रात में, उन्होंने मैं तो सब क्या करूँगी, क्या क्या रसम होता है मेरे यहाँ रात में, पहले मैं खा रही हूँ। तो कुछ लोग के यहाँ होता है कि बस बेटे लोग को ही खिलाया जाता है, बेटे लोग को नहीं खिलाया जाता है, बट मेरे यहाँ मतलब बच्चे के लिए ही किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ बेटा को नहीं खिलाओ बेटी को नहीं खिलाओ, मतलब बेटा के लिए जीते किए हैं। तो मेरा तो देखा जाए तो मैं शुरू से मैं ही जीतिया में यहाँ रहती हूँ, शादी के बाद से जो कैसा हुआ कि जीतिया में मैं ही यहाँ पर हूँ, जीत तो आई थी लेकिन चली गई, और भाई भी जहाँ रहता है जॉब के सिलसिले में वो वहाँ चला गया, तो इस पर मैं जीतिया में नहीं हूँ, मैं लगती हूँ कि मैं हर बार मम्मी के पास ही रहती हूँ जीतिया के टाइम, तो मैं ही खाती हूँ, मैं ही जीतिया का फल पूरा मम्मी को देती हूँ। हाँ, जितिया का सबसे पहले मैं ही पहनती हूँ, मम्मी जो जितिया करने के बाद वो पहनाया जाता है, पूजा करने के बाद जितिया को पहनाया जाता है, तो वो मैं ही पहनती हूँ मम्मी सबसे पहले, क्योंकि मैं ही सामने रहती हूँ और शादी पाती नहीं हुई इस बार सामने, तो ये लकी है। तो अभी अभी पीहू भी आएगा, तो अभी पीहू भी यही खाएगी, अभी पीहू अभी स्कूल गया है, तो फिर स्कूल आने के बाद मैं जो खाएंगे अभी वो लोग ही खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। वैसे पिट्ठी भी डाली हुई है, पर लेकिन पता है आटा का छोटा छोटा पिट्ठी बना के डाला जाता है, बट इधर मौसम 5 दिन से बारिश हो रहा है तो वो बन नहीं पाया, खाया जाता है बनाकर, तो यहाँ तो बारिश 5 दिन से हो रहा है तो इसका वो बन नहीं पाया, सुबह भी आटा का ही थोड़ा सा डाल के उसमें नेक कर देंगे कि हाँ हो गया। और कुछ लोग यहाँ अलग अलग होते हैं, आपके यहाँ क्या क्या बनता है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है, सबके अलग अलग बनता है, आगे और भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी पीहू आएगा तो अभी तो खा लेगा, लेकिन पीहू खाने से पहले सब चीज़ को चेक करती है, ये क्या है ये क्या है, ये मैं देखाऊंगी ये मैं देखाऊंगी ये मैं देखाऊंगी, तो उसमें मैं जरूर आप लोगों से कहूँगी कितनी जीती है मेरी भतीजी। यही रही मेरी भतीजी। ये क्या ये खाओ, वो खाना है, वो मरुआ की रोटी है, खाओ खाओ। हमें नहीं, क्यों नहीं खाऊंगी, खाओ मम्मी फास्टिंग का ये रोटी है, वो मरुआ की रोटी है, वो खाना है, खाओ थोड़ा सा, खाओ खा लो थोड़ा सा, सेमिया तो खाओगी ना, वो तो पसंद है ना, वो खा देखना अभी आएगा तो कैसे खा लेगा, बिना जीत गया। तो ये मेरी मम्मी है, आज आज जीतिया का नहाखा मम्मी और भाभी दोनों कर लिए हैं, तो आज मेरे यहाँ 6 को हो रहा है नहाखा और 7 को फास्टिंग है मम्मी और भाभी दोनों का, भाभी पीछे है तो किसी किसी के आज फास्टिंग है, और परसों 7 को पारण है, लेकिन हम लोग का कल है 7 को फास्टिंग करना है मम्मी लोग को, तो मम्मी लोग नहा खा कर लिए, भाभी भी कर ली है, और मैं सुबह भी उठ के उठी हूँ, सो के उठी हूँ। आज क्या क्या खाया जाता है, ये आटा का रोटी है, फिर उसके बाद ये क्या है मम्मी, मरुआ का रोटी है, पिट्ठी है, और ये खीरा का बिया है, और ये क्या केराव है, केराव है, खीरा का बिया मतलब इतना निकला जाता है जितने माने बाल बच्चा रहता है जितना बच्चा उतना बिया निकलना पड़ता है, और उसके बाद ये क्या है, ये झिंगी का सब्जी, झिंगी का सब्जी और कंदा का सब्जी, ये खाना जरूरी रहता है क्या? हाँ खाना जरूरी रहता है, और तो ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं आज नहा खा के दिन खाने के लिए, तो ये सब मम्मी अभी निकल चुकी है, बस शाम को पुआ खाया जाता है, पुआ पूरी, और शाम में पुआ पूरी चुनू सियारों को भी फेंकाता है, और आज ही चुनू सियार क्या क्या निकला जाता है अभी मैं बस बता रही थी, फिर से मत निकल लेना, तो मम्मी निकल लिए, भाभी भी निकल लिए, बस मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई, 11 बजे तक चुनू
सियारों को भी फेंकाता है ये सब चीज़, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे चूल्हू सियारों को भी फेंकाता है। ये सब खाने के बाद चूल्हू सियारों को दिलाता है, उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बनता है। तो ब्रेड का पुआ बना है, नेनुआ का सब्जी है, आलू पटल की सब्जी है, पूड़ी है एंड सूजी एंड मैदा का पुआ है। ये पुआ बना है और चूल्हू सियारों को देने के लिए अभी अलग रखा हुआ है, वो अलग हटा दिया जाता है नेनुआ से, उनको फिर खाने के बाद उनको फेंका जाएगा। तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि वो कैसे फेंका जाता है, क्या क्या और फेंका जाता है साथ में करके। तो फिलहाल मैं खा लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा खाना हो गया है। पीहू देखिए क्या कर रही है, पीहू मेहंदी लगा रही है। पीहू का मेहंदी देखते हैं कैसा लगा रही है, कैसा लगाइए मेहंदी पीहू। वाह क्या लिखी है, अच्छा पीहू अपना नाम भी लिख दिया है और अपने भाई का भी नाम लिख दिया है। वाह यही कर रही है पीहू, चलो अच्छा है। मेरा काम ये कर दी, ये मेरी चढ़ा दी। तो चूल्हू सियारों का मम्मी अब दे रही है, रात को 11 बज रहा है। क्या क्या दे रही है, ये लो, ये नेनुआ का पत्ता पर दिया जाता है, ये सब दे रखे हैं। पूड़ी है, तो जो जो मम्मी लोग खाई है वही सब थोड़ा थोड़ा निकाला हुआ है, उसको ऐसे करके लपेट के फेंक दिया जाता है। कहाँ फेंका जाता है, चले गए, थोड़ा सा गिर गए ना। कहाँ गिरा, इधर इधर थोड़ा सा गिर गया है, उस के बाद डाले हैं। अच्छा जिनके सास ससुर रहते हैं जिंदा वो नहीं फेंकते हैं, नहीं जिसके सास ससुर जिंदा नहीं रहते हैं ना वो फेंकते हैं, तो इसलिए आप मम्मी फेंक रही है, भाभी नहीं फेंक रहे, इसलिए फेंक दो मम्मी। तो लास्ट इनको पानी दिया जा रहा है उनके नाम से। तो नहा खा ख़त्म हुआ, कल अब होगा मम्मी लोग का फास्टिंग। तो आप लोग को यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।